देखिए, हेनरी लॉ के बाद हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। हेनरी लॉ में आपने पढ़ा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो वहाँ से आपने निकाला था कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है। और उसमें एक मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ी थी आपने, वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अब देखो, इसके बेस पर तीन तरह के हो सकते हैं। तो एक तो कम्प्लीटली सोल्यूबल हो सकते हैं, पार्शली सोल्यूबल हो सकते हैं, और इनसोल्यूबल हो सकते हैं। इमिसिबल वही मीन है इनसोल्यूबल। अब आप एक टर्म जानते हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक, इससे मतलब हमारा क्या था कि जो पोलर है वो पोलर में सोल्यूबल होगा, नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में सोल्यूबल होगा। तो इसलिए इस बेस पर हम देखो बेंजीन कैसा आपका है, नॉन पोलर है, टोलवीन भी कैसा है आपका नॉन पोलर, तो दोनों एक दूसरे में सोल्यूबल होंगे। तो कम्प्लीटली सोल्यूबल का एग्जाम्पल हुआ, एल्कोहल पोलर है, वाटर पोलर है, तो दोनों एक दूसरे में सोल्यूबल होंगे, तो ये कम्प्लीटली सोल्यूबल हुआ। फिनॉल आपका पोलर होता है, बट इसमें जो बेंजीन रिंग होती है वो हिंड्रेंस बढ़ा देती है वाटर के साथ, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाते इनके मॉलिक्यूल्स, वाटर और फिनॉल के मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि फिनॉल में बेंजीन रिंग जो होती है वो बड़ा साइज रखती है, तो इसलिए यहाँ पे पार्शली सोल्यूबल हो गई। ईथर आपका देखो, ईथर क्या होता है आपका, आर ओ आर। तो ईथर में जो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर तो होगा, बट इसमें दोनों जो डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ाया जीरो होगा, क्योंकि इधर भी इतना शिफ्ट हो रहा है, इधर भी इतना शिफ्ट हो रहा है, तो डाइपोल मोमेंट इसमें कम होने के कारण इसका ये नेचर जो होती है वो क्या होती है, लगभग नॉन पोलर हो जाता है, पूरी तरह से नॉन पोलर नहीं कह सकते। तो इसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या होती है, इसमें कम हो जाती है। अब आप पढ़ते हैं इनसोल्यूबल। अब देखिए, ये पूरी तरह से नॉन पोलर है, जबकि वाटर कैसा है, पोलर नेचर दिखाता है, तो ये दूसरे में इनसोल्यूबल होंगे। एनिलीन भी वही नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, तो एक दूसरे में इनसोल्यूबल रहेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका आइडियल सॉल्यूशन एंड राउल्ट लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ के चलिए आप अपनी ग्रेजुएशन के और कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो आइडियल सॉल्यूशन होते क्या हैं, एक आपने आइडियल गैस पढ़ी हुई है बीएससी फर्स्ट ईयर में, गैसेस स्टेट एक चैप्टर है, इसमें आपने पढ़ा था आइडियल गैस, पढ़ा था आपने आइडियल गैस, जो आपका चार्ल्स का बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, इन सबको फॉलो करती है, वो क्या होती है, हमारी आइडियल गैस होती है। ऐसे हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए राउल्ट ने अपना लॉ दिया था, तो अगर कोई राउल्ट लॉ को फॉलो करता है इसका मतलब वो सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब देखिए, आपका सॉल्यूशन बनता कैसे है, आपका सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है। अब जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली इंट्रैक्ट होते हैं, ऐसे सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होते हैं, मतलब आपने वाटर सॉल्वेंट लिया तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होंगे आपस में कैसे जुड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से जुड़े होंगे। तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, अगर हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर वो इंट्रैक्शन इक्वल रहे, समझ रहे हैं आप इसे, मतलब आपने सॉल्यूट सॉल्यूट का इंट्रैक्शन देखा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, फिर आपने क्या किया, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दिया, तो अगर वो इंट्रैक्शन इन दोनों इंट्रैक्शन के इक्वल है तो आपका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो हमने सीधा कहा देखो, बी बी हमने किसे माना आपका सॉल्यूट को, ए ए किसे माना हमने सॉल्वेंट को, तो बी बी एंड ए इंट्रैक्शन ऑलमोस्ट इक्वल टू ए बी इंट्रैक्शन, देन द सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन आपने देखो पढ़ा हुआ है कि ओबे राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ को सभी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन को फॉलो करते हैं। राउल्ट लॉ कहता क्या है बेसिकली, देखो लिखा हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। देखिए थ्योरी लिखी हुई है, अलग चीज़ है, आपको मैं यही समझा देता हूँ। ए आपका सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है और बी आपका सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखो पी ए लिखा हुआ है, पी आपका रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर को, तो ये किसका वेपर प्रेशर, आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, लेकिन ये किस में बात कर रहा है, आपका सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है आपका उसका वेपर प्रेशर है। ऐसे पी नोट ए, पी नोट ए का मतलब है आपका केवल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, यानी कि आप कह लो भाई है तो सॉल्यूशन में ही, लेकिन सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर हुआ कुछ ना कुछ प्योर स्टेट में। तो आपका जैसे कि देखो समझ लो, यहाँ से मान लो आपने एक सॉल्वेंट लिया और सॉल्वेंट आपने ले लिया वाटर, तो वाटर का वेपर प्रेशर मान लिया आपने कि 20 है, ठीक है, मान लो अभी, यानी कि फिक्स है यही होगा, तो वाटर का वेपर प्रेशर हमारा कितना हो गया 20, ठीक है। तो ये प्योर स्टेट में था कि वाटर का वेपर प्रेशर हमारा 20 था, फिर आपने इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर में कमी आएगी, या हम आगे पढ़ेंगे कमी क्यों आएगी, ठीक है। तो आप समझ लो अभी कि आप जब सॉल्यूट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर मान लो 20 से कितना हो गया 15। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिल जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा सॉल्यूशन, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कितना है आपका 50।
ठीक है। तो सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर आपका 15 हो गया, कम हो गया। तो हम वही देख रहे हैं पीए क्या हो गया, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना हो गया आपका, कम हो गया। और जो लेकिन प्योर स्टेट में कितना था उसका, 20 जो भी होगा उसका, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिखोगे। और इंटू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आप जानते हो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल मोल्स, ऐसी सॉल्यूट के लिए था मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्यूट के लिए देख सकते हो। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, पीए क्या हो गया टोटल वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है, सॉरी टोटल नहीं कहोगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, तो इक्वल टू किसके होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो आप। ऐसे टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। वैसे देखो ये टर्म लिखी हुई है पी ए एक्स ए पी बी, पी ए मीन्स क्या है पी नोट ए, ऐसे पी बी एक्स बी पी नोट बी मीन्स क्या है। अब देखिए आप एक चीज़ देखिए, आपने सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखा था पी ए और सॉल्यूट का देखा था आपने पी बी, तो दोनों को अगर मिक्स कर दो तो क्या बनेगा सॉल्यूशन, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, यानी कि पी किसके इक्वल होगा, पी ए यानी कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर प्लस सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे पी ए को आप क्या लिख सकते हो, पी नोट ए एक्स ए आपने पीछे पढ़ा अभी, पी नोट बी क्या हो गया, पी पी सॉरी क्या हो गया, पी नोट बी एक्स बी। देखिए ये कहता है कि सॉल्वेंट हेनरी लॉ को अगर फॉलो करता है तो वो आपका राउल्ट लॉ को भी फॉलो करेगा, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था। अब इसके बाद आप देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आपने क्या किया, आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलाया, तो सॉल्यूट का कुछ वॉल्यूम रहा होगा, सॉल्वेंट का कुछ वॉल्यूम रहा होगा, लेकिन दोनों को मिलाने पर अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, भाई मान लो आपने 100 ml आपने सॉल्यूट का लिया, 100 ml आपने सॉल्वेंट का लिया, तो दोनों मिला कितने हो गए 200, यानी कि ना तो 200 से कुछ कम हुआ ना 200 से कुछ ज़्यादा हुआ, बिल्कुल फिक्स 200 है, तो वॉल्यूम में जो चेंज है वो जीरो होगा। अब देखिए डेल्टा किसे डिपेंड करता है, चेंज को, और वी किसे डिपेंड करता है, वॉल्यूम को, किसका, मिक्सचर का, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो डेल्टा वी क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इक्वल टू क्या होगा, जीरो, यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, भाई आपने 100 लिया था 200 हो गया, कोई चेंज नहीं आया। डेल्टा एच आपका होता है एंथैल्पी, आप कहते हो हीट, भाई हीट रिब्लेट एब्जॉर्ब हुई या हीट वहाँ से लिब्रेट हुई, तो उसे आप किसे दिखाते हो, डेल्टा एच से, यानी कि एंथैल्पी कहते हैं आप इसे, तो एंथैल्पी में चेंज यानी कि जीरो हुआ। इसका मतलब क्या है, आपने जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलने के लिए किसी हीट की ज़रूरत नहीं पड़ी, या सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलकर कोई हीट लिब्रेट नहीं किया, मतलब ना तो वहाँ से जो आपकी हीट है वो निकली ना वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई, तो उन दोनों में चेंज क्या है, जीरो। तो इस तरह के सॉल्यूशन जो होते हैं राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हुई आइडियल सॉल्यूशन की। अब इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं देखिए, और इसका मैं आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ इसके एग्जांपल का। इसका एग्जांपल है जो नॉन पोलर होते हैं, ध्यान से समझ लेना, जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो हमेशा इस तरह के सॉल्यूशन बनाते हैं, उन्हें आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। मतलब जैसे कि आप एग्जांपल में देख भी सकते हो, इफ 100 ml ऑफ एन हेक्सेन, एन हेक्सेन क्या है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसे आपने 100 ml लिया और आपने मिक्स कर दिया से 100 ml ऑफ एन हेप्टेन, एन हेक्सेन का 100 ml और एन हेप्टेन के 100 ml लिए और दोनों को मिक्स कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया सॉल्यूशन का, 200, ठीक है। अब सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 200 हुआ, इसका मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, भाई 200 से कम होता है ज़्यादा होता तो वॉल्यूम में चेंज होता। एंड द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी सेम, और टेम्परेचर जैसा पहले था वैसे ही हमें बाद में मिला, यानी कि टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। एज दैट ऑफ प्योर एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, जैसे कि एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का पहले टेम्परेचर था वैसे ही आपको बाद में मिला, दस नो हीट इज इवॉल्व, इसलिए ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब होगी ना कोई हीट इवॉल्व होगी। भैया अगर टेम्परेचर में चेंज होता है, टेम्परेचर अगर आपका कम हो जाता है, ठीक है, तो सीधी सी बात है वहाँ से हीट निकली होगी। अगर आपका टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है तो इसका मतलब आपका क्या था, पहले कूल था, थोड़ा ठंडा था, उसके बाद थोड़ा सॉल्यूशन गर्म हो गया, तो इसका मतलब क्या, उसने टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया, समझ सकते हैं यहाँ से। तो सच सॉल्यूशन इज एन आइडियल सॉल्यूशन, तो इस तरह का सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन है। तो इसका मैंने एक तरीका बताया आपको समझने का, इसके एग्जांपल देख सकते हो, देखो सब नॉन पोलर मिले तो ये मिलेंगे आपको कोवेलेंट कंपाउंड मिलेंगे, पोलर या नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, तो इथाइलिन ब्रोमाइड प्लस इथाइलिन क्लोराइड, देखो दोनों सेम टाइप के होंगे, इथाइलिन ब्रोमाइड प्लस इथाइलिन क्लोराइड, इस तरह का सॉल्यूशन बनाएंगे, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, ठीक है भाई। अगर नॉन पोलर या दोनों, ठीक है, पार्सली पोलर है पार्सली पोलर या दोनों, C4H9Br, C4H9Cl, बेंजीन टोलवीन, भाई बेंजीन के कंपाउंड है दोनों, CCl4, SiCl4, क्लियर है, कार्बन एक ही फैमिली है कार्बन सिलिकॉन, तो आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए। ये तो आपका आइडियल सॉल्यूशन रहा। इसके बाद आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन या रियल सॉल्यूशन। अब भाई देखिए, जो हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि सब कि मैं राउल्ट लॉ को फॉलो करें।
तो इसलिए जो रियलिटी में देखा जाता है वो सॉल्यूशन अलग तरह का ही बिहेव दिखाते हैं, इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल या फिर रियल सॉल्यूशन कहा जाता है, रियल मतलब वास्तविक। तो इसके देखो सीधा तरीका है, अब वो चीज़ हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम क्या लिखें, दे डज नॉट ओबे राउल्ट लॉ, विदाउट लॉ जो कंडीशन बता रहा था वो इस कंडीशन को फॉलो ना करे तो ऐसे सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन होंगे। अब वो कह रहे थे आइडियल सॉल्यूशन क्या था, डेल्टा जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो जीरो होता है, बट इसमें नॉट इक्वल टू जीरो है, ऐसे यहाँ पे एंथैल्पी चेंज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन किसकी होती है आपकी, रियल सॉल्यूशन की, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम में भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर हीट इवॉल्व होगी, तो इस तरह से कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। बाकी नेक्स्ट टाइम इसके ग्राफ पढ़ते हैं, आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ कैसे बनाते हैं आप, ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।